नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 26 जनवरी 2021 की तारीख को हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इसी दिन किसान आंदोलन के नाम पर साजिश रचने वालों ने राजधानी में उपद्रव मचा दिया। ट्रैक्टर पर बैठकर टेरर फैलाने वालों ने देश की आन बान शान को भी नहीं बख्शा। वो हाथों में तिरंगा तो लेकर आए, लेकिन उनकी मंशा दंगा भड़काना था, इसलिए उन्होंने लाल किले की प्राचीर पर भारत के गौरव को साजिश का निशाना बनाया। लाल किले की सुरक्षा में तैनात जवानों पर जानलेवा हमला किया, देश के धरोहर लाल किले और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। हालांकि लाल किले से उपद्रवियों को तो खदेड़ दिया गया, लेकिन वहां उत्पात के निशान बाकी रह गए। लाल किले में हिंसा के सबूत दिखाती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। मचाने का ही इरादा था, ऐसा इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है। देश के खिलाफ साजिश, राष्ट्रीय धरोहर पर प्रहार, दंगा भड़काने का षड्यंत्र। तबाही के इरादे से हमला, लाल किला जिसने इस देश के गणतंत्र को बनते सवरते और पनपते देखा, वही लाल किला 26 जनवरी 2021 की तारीख को एक शर्मसार कर देने वाले उपद्रव का गवाह बना। इन उत्पातियों के हाथों में तो तिरंगा था, लेकिन मन में दंगा था। देश की आन बान और शान का प्रतीक बन चुके लाल किले पर पहुंचे उपद्रवियों का मकसद साफ था, देश के गर्व और गौरव पर प्रहार, तबाही और दंगा भड़काने की साजिश। किसान के नाम पर उत्पातियों ने गणतंत्र का अपमान किया, वो लाल किले में घुस गए। लाल किले की पहरेदारी में तैनात बावर्दी और हथियार बंद जवानों की भल मनसाहत देखिए कि वो किसान का मुखौटा पहन कर आए उपद्रवियों के डंडे खाते रहे। जब जान पर बनाई तो लाल किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई खाई में कूद कर अपनी जान बचाई। किसान के भेष में आए उग्रवादियों की कोशिश थी कि पूरी दुनिया में दुष्प्रचार किया जाए कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं, 72 साल के गणतंत्र के उजड़े चेहरे पर साजिश की काली पोत दी जाए, इसलिए लाल किले को निशाना बनाया गया। किसानों की भीड़ में शामिल उत्पातियों ने पहले ही तय कर लिया था कि तय रूट को तोड़ा जाएगा, लाल किले पर हमला किया जाएगा और तिरंगे की जगह अपना झंडा लगाया जाएगा। ये है दीप सिद्धू, लाल किले पर हमला करने की साजिश के सरगनाओं में से एक। लाल किले पर हमले के बाद दिए गए इसके बयान से साफ है कि सब कुछ पहले से तय था कि चार तरफ से बॉर्डर, जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर, एक ऑब्स्टैकल जो वहाँ बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब, जैसे हम सब रेड फोर्ट की, लाल किले की तरफ चले गए। सो जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहां निशान साहब भी लगाया। उपद्रवियों की मंशा क्या थी, ये लाल किले की तस्वीरें बयां कर रही हैं। न्यूज 18 इंडिया आज आपको दिखाने जा रहा है लाल किले की साजिश के एक्सक्लूसिव सबूत।
लाल किले के इस प्राचीर में कल राष्ट्रीय ध्वज के साथ कई और झंडे भी फहराए गए, लेकिन वो सभी झंडे यहाँ से उतार लिए गए हैं। लाल किले में आज जहाँ देखे वहाँ तबाही का मंजर नजर आता है। क्या काउंटर, क्या झांकियाँ, हर जगह तोड़फोड़ की गई। लाल किला फिलहाल इस तरीके से छावनी में तब्दील है। यहाँ पर पुलिस के डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है। तमाम पुलिसकर्मी और जो CISF की टुकड़ियां यहां पर है वो अब निगरानी कर रही हैं इस लाल किले की। लाल किला दिखने में आम दिनों जैसा लग रहा है, लेकिन देश के धरोहर की आत्मा पर उपद्रवियों ने गहरे जख्म किए हैं। लाल किले में घुसने के लिए उपद्रवियों ने सबसे पहले उन निगहबान जवानों पर हमला किया जो सुरक्षा में तैनात थे। किसानों की शक्ल में आए उपद्रवियों को जवान चाहते तो ढेर कर सकते थे, लेकिन किसान के मुखौटे के आगे मजबूर होकर जान बचाने भागने लगे। जिस खाई में कूदकर जवानों ने जान बचाई, News 18 उस जगह पर भी पहुंचा। नाले का पूरा इलाका आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर अभी पुलिस की तैनाती आपको नजर आ रही है ऊपर की तरफ, कल भी यहीं पर पुलिस जो थी वो तैनात थी। लेकिन क्या कुछ दिख रहा है नीचे, मैं उसकी तस्वीरें दिखाऊं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक टोपी यहाँ पर नजर आ रही है। ये टोपी यहाँ पर है जिस पर CISF लिखा गया है, यानी कि एक CISF के जवान की ये टोपी है। यहाँ पर सामान जो है आप देखें, हेलमेट पड़ा हुआ है, टूटा हुआ हेलमेट, यानी कि इस हेलमेट को भी तोड़ा गया है और उसके बाद ये हेलमेट यहाँ पर फेंका गया है। ये लाइट यहाँ पर देखिए किस तरीके से तोड़ी गई है। ये स्पॉटलाइट है जो लाल किले के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये गमबूट्स देखिए, आधार कार्ड देखिए, जो तमाम पर्सनल्स यहाँ रहे होंगे उनके ये आधार कार्ड, उनके ये गमबूट्स। और आगे तस्वीरें जाएँ, अगर आपको आगे थोड़ा लेकर चलें तो यहाँ पर नज़र आएगा एक रुमाल जिस पर खून लगा हुआ है। जिस तरीके से लाठियाँ बरसाई जा रही थी उसकी जीती जागती तस्वीर ये रुमाल, जिसके पास हेलमेट का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते जाते हैं तो एक बार फिर एक गमबूट नज़र आता है, एक जूता यहाँ नज़र आता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ एक और पुलिसकर्मी का जूता नज़र आ रहा है, जिसको छोड़कर वो यहाँ से जान बचाकर भागे होंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि चेयर को भी, जो कुर्सी है उसको भी तोड़कर नीचे फेंका गया। और अब ये बैरिकेड देखिए, इस तरफ का ये बैरिकेड देखिए जो फिलहाल ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, उन बैरिकेड को तोड़कर नीचे फेंका गया है। इनसे, इन जगहों से जब अपनी जान बचाने की कोशिश तमाम पुलिस वाले, CISF वाले कल कर रहे थे, तो ऊपर से बैरिकेड भी गिराया गया है। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि इरादा सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराने का नहीं था, तबाही मचाने का भी था। किसानों के भेष में आए देश विरोधियों ने पहले ही ठान लिया था कि लाल किले में तबाही मचाएंगे। उस तबाही के निशान देश की आन बान और शान के आंगन में बिखरे पड़े हैं। अब हम आ गए हैं लाल किले के टिकट घर पर। ये टिकट घर है जहां पर आम दिनों में आपको यहां शीशे नजर आते, एक छोटी जगह होती जहां से आप टिकट खरीदते या टिकट लेते। लेकिन अब टिकट घर के क्या हाल आता है, तस्वीरें देखिए, हर तरफ सिर्फ शीशा ही शीशा बिखरा हुआ है। पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है इस पूरे टिकट घर को। जहां तक आपकी नजर जाएंगी, आप जरा अलमारियों का हाल देखिए, एक एक ड्रॉअर को निकाल कर तोड़ा गया है, बाहर फेंका गया है। बुकलेट्स आपको जमीन पर दिख रही हैं, टिकट आपको जमीन पर दिख रहे हैं, बुकलेट के पन्ने यहां पर नजर आ रहे हैं, शीशा ही शीशा हर जगह नजर आ रही है। देखिए ड्रॉअर को निकाल निकाल कर किस तरीके से फेंका गया है। साफ लग रहा है कि ये पूरी कोशिश सिर्फ तबाही मचाने की थी। वॉशरूम की भी बाहर की मैं तस्वीरें अगर आपको इस तरफ दिखाऊं तो आपको बाहर से ही नजर आ जाएगा कि इरादा सिर्फ तबाही मचाने का था। ये देखिए किस तरीके से वॉशरूम तक को नहीं छोड़ा गया है, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई है। हर जगह जो कुछ भी सामान मिला उसको तोड़ा गया है, उसके साथ तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो टिकट घर यहाँ पर है, जो टिकट काउंटर यहाँ पर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे की जगह अलग झंडा फहराने की साजिश रचने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे। उपद्रवियों का हुजूम प्लान बनाकर आया था कि उनके सामने जो आएगा उसे तहस नहस कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये बैरिक जो सीमेंट के कट्टों से बनाए जाते हैं, इनको भी फाड़ा गया है। ये तस्वीरें आप यहाँ पर पहले तो बैरक की देख रहे हो, अब मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, अंदर की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए जहाँ से एंट्री की जाती है बैगों की स्कैनिंग के लिए, ये वो जगह है। यहाँ पर बोर्ड लगे रहते हैं महिलाओं और पुरुष की पंक्तियों के, इनको तोड़ा गया है।
और आगे आप मशीन का हाल खुद ही देख रहे हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो बुकलेट होते हैं, ये देखिए ये बुकलेट यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, जिनको फाड़ फाड़ के फेंका गया है। एक एक ये बुकलेट के जो पन्ने हैं इनको बाहर के फेंके गए हैं, जो जानकारी देते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये पंखे के बाहर का कवर और पत्थर, पत्थर को भी यहाँ पर आप देखिए कि पत्थर भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं, जिनसे संभवतः तोड़ा गया है या पथराव किया गया है। लाल किले को निशाना बनाने वाले किसान नहीं हो सकते, क्योंकि देश का अन्नदाता देश की आन बान और शान के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। किसान का आचरण ये नहीं हो सकता। ये नक्सलियों खालिस्तानियों की करतूत है, जो किसान मार्च की आड़ लेकर लाल किले में घुस गए और तबाही मचा दी। जो लाल किले के कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी देने वाला पत्थर है उसी को उखाड़ कर फेंका गया है। ये तस्वीर आपने देखी, और अब आप देखिए कि जहां पर रेलिंग लगी रहती है उस जगह को भी उखाड़ा गया है और यहां पर फेंका गया है। इसके बाद ये देखिए आप जीप, ये पुलिस की जीप है, CISF की जीप है, और यहाँ इसकी तस्वीर देखिए किस तरीके से इस पर तोड़ फोड़ मचाई गई है। इसको तोड़ा गया है, इसको पलटाया गया है, पूरी कवर आप गाड़ी का ये जो कवर ऊपर होता है ये देखिए किस तरीके से ज़मीन पे है। ये स्टेयरिंग कवर आप फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आपको स्टेयरिंग कवर नज़र आ रहा है। गाड़ी का एक एक पुर्जा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तोड़ फोड़ की गई है, शीशे तोड़े गए हैं, गाड़ी को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। ये टूटी हुई गाड़ियाँ, तोड़ी गई लाइटें लाल किले के आंगन में बिखरे तबाही के निशान बता रहे हैं कि उत्पात मचाने वालों की मंशा क्या थी। अगर वो धरना या मार्च करने आए होते तो शांति से मार्च करते, लेकिन तबाही के निशान बता रहे हैं कि उनके मन में कितनी नफरत थी। उन्होंने ना लकड़ी की अलमारियां छोड़ी ना बिजली की तार, जो सामने आया वो सब ध्वस्त कर दिया। पहला आपको सिक्योरिटी चेक दिखेगा जहां पर इनकी मौजूदगी रहती है, ये इसको तोड़ कर फेंका गया पहली जगह। ये इसको देखिए आप, तोड़ कर इसको पूरी तरीके से फेंका गया, पर यहाँ भी उपद्रवी शांत नहीं हुए। ये तस्वीर देखिए जहाँ पर सिक्योरिटी चेक किया जाता है, इस दरवाजे को ही पूरी तरीके से तोड़कर गिरा दिया गया है। ये तस्वीरें सिक्योरिटी चेक की आप देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो इस तरीके से जालियाँ बनी हुई हैं इनको भी तोड़ा गया है। ये देखिए यहाँ पूरी जगहों पर कुछ भी ना छूटने पाए, शायद इस इरादे से आए थे। ये एक रूम दिखा रही हूँ, इस रूम में किस तरीके से देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ मचाई गई। कांच के टुकड़े यहां पर पड़े हुए हैं, पुलिस वालों की जैकेट यहां पर पड़ी हुई है, कांच के साथ तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा भी ऊपर आप देखेंगे तारों को खींचा गया है, जानबूझकर नोच नोच कर खींचा गया है। इसके आगे की तस्वीर यहां पर अगर आपको दिखाएं तो देखिए एसी के आपके जो का जो कवर होता है उसको निकाला गया है। अब देखिए तोड़फोड़ के बीच ऐसी भी तस्वीरें दिख रही हैं। इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि किसानों की आड़ में देश का बिगाड़ करने वाले छिपे बैठे हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो अपना रंग दिखा देंगे। जिस बात की आशंका थी वैसा ही हुआ। दिल्ली उत्पातियों के गदर से दहल गई। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों ने गणतंत्र पर देश के दुश्मनों जैसी साजिश रची। खुफिया जानकारी के आधार पर सरकार पहले से कह रही थी कि आंदोलन गलत हाथों में जाने का अंदेशा है। खुद को किसानों का नेता कहने वाले किसान नेता नहीं माने और वो अड़े रहे, दावे करते रहे कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन अंदेशे देखते देखते सच हो गए। किसानों की आड़ में छिपे बैठे देश विरोधियों ने उस साजिश को अंजाम दे ही दिया जो चीन और पाकिस्तान बहुत दिनों से उनके साथ मिलकर रच रहे थे। 2019 से दिल्ली धरनों का अड्डा बन चुकी है। किसी न किसी मुद्दे पर भ्रमजाल फैलाकर लोकतांत्रिक धरनों का आडंबर रचा जाता है और इन्हीं धरनों की आड़ में देश विरोधी ताकतें अपना एजेंडा फैलाने में जुट जाती हैं। किसानों का धरना भी लोकतंत्र की दुहाई के साथ शुरू हुआ। इसी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के नाम पर इन्हें ट्रैक्टर मार्च की इजाजत दी गई, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ ये देश ने देख लिया। और साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि हिंसा में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि 26 जनवरी को हुई हिंसा में सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, और जैसा हमें जानकारी है इसमें
कुछ आईसीयू में भी हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 डीएफएमडी, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह, 30 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें 2 पीसीआर वैन भी हैं और 1 पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसमें जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए, और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। लाल किले तक पहुंचे वे, रेड फोर्ट के जो रैम्पर्ट्स है वहां पहुंचकर वहां पे कई किसान संगठनों के झंडा फहराए और कुछ रिलीजियस झंडे भी फैलाए, जिसको पुलिस ने कब्जे में ली है और अभी हमारा ये केस प्रॉपर्टी है। और इसी के साथ ही केंद्र सरकार भी देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली पुलिस की सराहना की और साथ ही साथ कांग्रेस को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया और कई सवाल दागे। 26 जनवरी को कांग्रेस इस तरह से किसानों को उकसाएगी, कहां से कहां कांग्रेस गिर गई है उसका ये उदाहरण है। और इसलिए कांग्रेस की ऐसी नकारा सोच की, उकसाने की राजनीति की, और वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। वो किसी भी तरह से देश में अशांति तैयार करना चाहते हैं। कोई दंगा भड़के, कोई अशांति हो, कोई हिंसा हो, पुलिस सख्ती करे, पुलिस फायरिंग करे, लोगों के जान माल की हानि हो और फिर भड़काया जाए माहौल, यही कांग्रेस की राजनीति अब बच गई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसका विलन कौन है? किसानों का नाम और साजिश वालों का काम, किसानों का कंधा और उस पर हिंसक भीड़ की बंदूक। दिल्ली हिंसा के दाग और दर्द सबको परेशान करने वाले हैं, लेकिन इस पूरी हिंसा, हमले और साजिश को लेकर कुछ अहम सबूत, वीडियो और घटनाएं सामने आई हैं। किसान आंदोलन के नाम पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली का जो वादा किया था, उसे अराजक तत्वों ने हिंसा के तले किस तरह रौंद दिया, इस पर न्यूज 18 की स्पेशल रिपोर्ट में आपको कई खुलासे मिलेंगे। इस बीच हिंसा के बाद किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु ने धरना खत्म कर दिया है। पुलिस की मौजूदगी में चिल्ला बॉर्डर से टेंट हटाए गए। सवाल आंदोलन से जुड़ी परेशानियों का नहीं, बल्कि आंदोलन की आड़ में शर्मनाक हिंसक एजेंडे का है। आपको दिखाते हैं कि वो चेहरे जो इस पूरी हिंसा में जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। छब्बीस तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाए, जबरदस्ती के बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे। अपना यो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रख यो अपनी। लाल किला साजिश के कितने विलेन, ट्रैक्टर रैली में ट्विटर वाली साजिश, रैली के बहाने गदर का प्लान,
किसानों को किसने भड़काया? आधी गिनती दे विच जिहड़े साडे लोक ने नौजवान ने इकट्ठे होए खड़े आ कि यार आपां जिहड़ा रिंग रोड दे उत्ते जाणा। दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड कौन? दिल्ली की सरहदों में कानूनी रूप से ट्रैक्टर परेड की इजाजत लेकर लाल किले की शान का अपमान करने वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस वालों को देखकर उन पर बेखौफ होकर हमला करना, लाल किले के अंदर जबरन घुसने की कोशिश करने पर पुलिस वालों को पीटना, ट्रैक्टर का सहारा लेकर बैरिकेड तोड़ना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर लाठी डंडों और तलवारों से हमला करना, ये सब बेकाबू भीड़ का नतीजा नहीं बल्कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई इस हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश और किसानों के बीच मौजूद कुछ लोगों का भड़काऊ प्लान था। दीप सिद्धू, लखा सिंह सधाना, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चढ़ूनी, ये वो लोग हैं जिन्हें प्राथमिक तौर पर दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का जिम्मेदार माना है। दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच में ये पाया गया है कि सिंघू बॉर्डर से लाल किले तक ट्रैक्टर मार्च को हिंसक साजिश में बदला गया। इसके लिए कुछ लोगों ने ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिलने से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी और जैसे ही ट्रैक्टर रैली की परमिशन मिली तो साजिश रचने वाले सक्रिय हो गए। लाल किले की प्राचीर से लेकर दिल्ली के तमाम इलाकों में हिंसा और दंगा करने वाली साजिश की एक एक कड़ी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात गैंगस्टर लखा सिंह सिधाना की, ये कौन है और दिल्ली हिंसा में इनकी क्या भूमिका है, ये जानने के लिए इनका 25 जनवरी का वीडियो गौर से देखिए और सुनिए ये जनाब क्या कह रहे थे। मैनू पता के मन दे अंदर की चल रहा, रिंग रोड दी गल चल रही है के जेड़े पिछों मैं देखता आया उधरली स्टेज पर भी रौला पिया होया ही, उधर भी हजारों की गिनती दे विच जेड़े साडे लोक ने नौजवान ने इकट्ठे होए खड़े आ कि यार आपां जिहड़ा रिंग रोड दे उत्ते जाणा। अब आपको बताते हैं कि लखा सिंह सिधाना कौन है। लखा सिंह सिधाना पंजाब का एक गैंगस्टर है। सिधाना पर दिल्ली पुलिस पर हमले का आरोप है। दिल्ली हिंसा में सिधाना की भूमिका की जांच हो रही है, उस पर पुलिस पर हथियारों से हमले का शक है। सिधाना पर पंजाब में 20 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं, लूट, हत्या, अपहरण और धमकी के केस दर्ज किए गए हैं। वो किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पर सक्रिय था। 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स नहीं हो और कोई भी हथियार, फायरआर्म, भाला, तलवार या कोई भी ऐसी डेडली वेपन साथ में नहीं होना चाहिए। अब आपको दिल्ली हिंसा के एक और खलनायक का सच दिखाते हैं, दीप सिंह सिद्धू। दीप सिंह सिद्धू वही शख्स है जिसे आपने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे के पास निशान साहिब का झंडा फहराते हुए देखा था। उसने नारे भी लगाए, लाल किले पर चढ़कर काफी देर तक हंगामा भी किया। इसके बाद सिंघू बॉर्डर पहुंचकर फेसबुक लाइव भी किया, अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहां निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया। दीप सिद्धू को इस फेसबुक लाइव के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने भगा दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि हिंसा भड़काने के आरोपी दीप सिद्धू को जानबूझकर धरना स्थल से हटा दिया गया ताकि वो पुलिस से बच सके और पुलिस किसानों के आंदोलन में कोई रुकावट न डाल सके। बहरहाल पुलिस के हवाले से दीप सिद्धू की साजिश पर गौर कीजिए। ट्रैक्टर रैली को रिंग रोड से मोड़ा, लाल किला चलने के लिए उकसाया, नारे लगाकर भड़काने का काम किया, लाल किले पर जबरन झंडा फहराया। दीप सिद्धू को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल दिल्ली हिंसा में उसकी भूमिका की प्राथमिक जांच उसके कई तरह के वीडियो के जरिए हो रही है। गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली का वादा करने वाले किसान नेताओं में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत का भी नाम है। अब उनके नाम 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में FIR भी है। राकेश टिकैत के बयानों पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ट्रैक्टर रैली से पहले उन्होंने झंडे के साथ डंडे लाने की अपील की थी। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पेड़ रही सरकार,
अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रख यो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगा तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लिया उस पर। पुलिस और क्या प्रसाद देगी, पुलिस हलवा बांटे करे, पुलिस जब आंदोलन होता है वो तो उनकी प्लान बन नहीं गया, दिल्ली पुलिस कैसे मुकदमे करेगी, लड्डू बांटे करे पुलिस जब आंदोलन होता है। आप भी मान रहे हैं सर कि कल क्यों क्या गलत हुआ वो बताओ, इसकी जाँच होनी चाहिए पूरी। राकेश टिकैत भले ही जाँच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हो लेकिन उनकी भूमिका सवालों के घेरे में, इसलिए पुलिस ने उनके खिलाफ पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। एफआईआर में योगेंद्र यादव का भी नाम है। प्राथमिक जांच में पुलिस ने योगेंद्र यादव को भी भीड़ को उकसाने का आरोपी माना है। किसान नेताओं को उकसाने के मामले में हरनाम सिंह चढ़ूनी की भूमिका की भी जांच हो रही है, क्योंकि ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिलने से पहले उनका भी एक भड़काऊ बयान वायरल हुआ था। मोटा मोटी बात ये है कि सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है और सरकार जिद पे अड़ गई, और 26 तारीख जो है हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं, जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे गोली मारे जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा और उस दिन जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को हुई हिंसा में कई किसान नेताओं के खिलाफ नामजद रिपोर्ट अलग अलग धाराओं में दर्ज की है। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, सतनाम पन्नू, जगबीर सिंह टाडा, भोग सिंह मनसा, सुखबाल सिंह डाफर, ऋषिपाल अंबावत, प्रेम सिंह गहलोत, सुरजीत सिंह फूल, कृपाल सिंह नाथूवाला, वीएम सिंह, सतपाल सिंह, मुकेश चंद्र, जोगिंदर सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह, सरवन सिंह, दर्शन पाल समेत कई नेता शामिल हैं। इन सभी पर गाजीपुर, पांडव नगर, सीमापुरी में केस दर्ज किए गए हैं। सेंट्रल दिल्ली और नांगलोई में भी केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने हिंसा भड़काने, सरकारी संपत्ति तोड़ने, सुरक्षा कर्मियों पर हमला, आर्म्स एक्ट, पुलिस के हथियार छीनने का केस दर्ज किया है। राष्ट्रीय स्मारक में तोड़फोड़ का केस भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा 300 ट्विटर हैंडल की भी पहचान की गई है। पुलिस के मुताबिक हिंसा से पहले ये संदिग्ध ट्विटर हैंडल बनाए गए थे। दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा के बाद भारतीय किसान यूनियन भानू ने आंदोलन से खुद को अलग करने का फैसला किया है। वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह ने कहा है कि इस हिंसा के बाद हम किसानों को पिटता हुआ नहीं देख सकते, हम अपना आंदोलन यहीं वापस ले रहे हैं। हमारा निर्णय स्पष्ट है, वीएम सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए, अगले आंदोलन में जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में हमें मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है, मेरी जिम्मेवारी भी आती है। दिल्ली पुलिस धरने पर बैठे किसान नेताओं से इस बात का जवाब मांग रही है और इजाजत मिलने के बाद उनकी भूमिका की जांच कर रही है कि आखिर उन्होंने ट्रैक्टर रैली की परमिशन मिलने के बाद एनओसी में दर्ज नियमों का उल्लंघन क्यों किया, और जब किसान नेताओं को ट्रैक्टर परेड में साजिश का अंदेशा हो गया था तो पुलिस को समय पर खबर क्यों नहीं।